अरे बेटा कंग्रेचुलेशंस, 96% मार्क्स आए हैं। हाँ तो डॉक्टर की इंजीनियर क्या बन रहे हो आप? आर्ट्स ले रहे हो? क्यों, इतने अच्छे तो नंबर आए, आर्ट्स क्यों ले रहे हो? ड्यू के कट ऑफ ने एक बार फिर डेटॉल को भी मात दे दी है। LSR में 3 सब्जेक्ट्स की कट ऑफ इज 100% एंड इन फैक्ट अक्रॉस कॉलेजेस 30 सब्जेक्ट्स में कट ऑफ इज 99% और अबव। मतलब यार इतने तो शेक्सपियर के भी नंबर नहीं आते इंग्लिश में अगर वो आज जिंदा होते तो। बट दीज आर नॉट रियली मार्क्स कॉलेजेस आर जस्ट एक्सपेक्टिंग, दीज आर मार्क्स स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली स्कोर्ड। इस बार 5000 से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स की बेस्ट ऑफ 4% इज 100%। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इतने नंबर आने के बाद भी लाइफ की प्रैक्टिकल और थ्योरी मैच ही नहीं करती। थिंक अबाउट इट, पहले बोर्ड्स में नियर परफेक्ट स्कोर आने के बाद लगता है वाह दिस इज नॉट सो बैड, ये तो डूएबल है। उसके बाद कॉलेज एंटर करने पे जोर का झटका और जोर से लगता है एंड रियल वर्ल्ड एंटर करने के टाइम ऐसा लगता है यू आर सिटिंग इन अ रोलर कोस्टर इन द फ्रंट सीट विदाउट सेफ्टी रेल। इतने साल जो पढ़ा वो जॉब में यूज होता नहीं, जो यूज होता है वो हमने पढ़ा नहीं। थ्योरी को हमने इतने सच्चे दिल से चाहा कि सारी कायनात उसे हमें रटवाने में जुट गई, पर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो किसी ने सिखाया ही नहीं। पैसा बर्बाद। इनफैक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी हम स्टेप्स को रट्टा मार के जाते थे। थ्री इडियट्स में बेचारे चतुर को ब्लेम तो सबने बहुत आराम से कर दिया, बट उसको बनाने के लिए भी हमारे एजुकेशन सिस्टम ही तो रिस्पॉन्सिबल है ना। बहुत सारे केसेस में स्टूडेंट्स के मार्क्स में फर्क इसलिए रह जाता है बिकॉज एक ने बुक से वर्ड टू वर्ड रट्टा मार के लिखा एंड दूसरे ने अपने मन से अपने वर्ड्स में लिखा। ऐसे केसेस में मोस्टली चतुरी जीतता है और बेचारा राजू रस्तोगी फोटो में लास्ट रो की लास्ट सीट पे खड़ा रह जाता है। मैथ में जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ती थी तो मैं सोचती थी यार इसे मैं कहाँ यूज करूंगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो लोग आज मैथ पढ़ा रहे हैं या मैथ रिलेटेड फील्ड्स में हैं उनके अलावा इसको कोई भी यूज नहीं कर रहा। बट किसी ने कभी टैक्स भरना सिखाया या फिर स्टॉक मार्केट एक्सप्लेन करी? ये सब सिर्फ उन्हीं को पता है जिनके सब्जेक्ट्स में ये था, बट यार टैक्स तो सबको ही भरना होता है ना। एजुकेशन में भी शुरू से क्लासेस टाइप बिहेवियर दिखने लगता है। मतलब अगर किसी के 10th में 90% से ज्यादा आ जाए तो कुछ ऐसा होता है। अरे बेटा कंग्रेचुलेशंस, 96% मार्क्स आए हैं। हाँ तो डॉक्टर की इंजीनियर क्या बन रहे हो आप? आर्ट्स ले रहे हो? क्यों, इतने अच्छे तो नंबर आए, आर्ट्स क्यों ले रहे हो? So the decision that should actually be based on what subjects you like is actually based on class division of marks. उसके बाद 2 साल साइंस और 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद समझ जाता है कि अरे मुझे तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना था। अब इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के कुंभ के मेले में बेचारे स्टूडेंट्स की तो लग जाती है। उन्हें ऐसे लगता है जैसे वो प्रेशर कुकर में बैठे हैं और सीटी बजने का नाम ही नहीं ले रही। पहले अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर, फिर अच्छी जॉब ढूंढने का प्रेशर और उसके बाद इतने सालों की एजुकेशन का कच्चा चिट्ठा खुलना शुरू होता है। इसके अलावा कम्पिटेटिव एग्जाम पुट सो मच स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स दैट सो मेनी ऑफ देम एंड देयर लाइव्स अंडर दिस प्रेशर। क्यों? क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन इट इज ड्रम्ड इनटू देयर हेड्स दैट देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन देयर मार्क्स। ये किसी एक स्कूल या कॉलेज की कहानी नहीं है। Our entire system is set up like that. The system needs to change even if it's one school and one college at a time, ताकि हम अपने सिलेबस को बादशाह के रैप की तरह रट्टा मारने से अच्छा उससे एक्चुअली कुछ सीखें। हो सकता है इन द प्रोसेस स्टूडेंट्स पे जो इतना अनड्यू प्रेशर है वो भी कम हो जाए। If you like this video, please share it and subscribe to Indianet.